जब आपने जयराम को अरेस्ट किया तो आपने मेमोरेंडम प्रिपेयर किया था? मेमोरेंडम, मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर किया था आपने? जी नहीं। क्यों? मेमोरेंडम बता सकते हैं क्या होता है? सीआरपी मेमोरेंडम, मेमो ऑफ अरेस्ट। मैं बता दे रही हूँ, वो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस को फाइल करना होता है जब वो अरेस्ट कर रहा है या फिर जब वो अक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन लेके आ रहा है इमिडिएटली उसके बाद ही। तो आपने प्रिपेयर किया था, फाइल किया था? नहीं सर, वो हम नहीं कर पाए। आपने जरूरी नहीं समझा इसको? जी सर। आपने इसको जरूरी नहीं समझा? नहीं सर, जरूरी समझा था लेकिन दूसरे केस में जाना था इसलिए वो। आपने, आप इस केस के विवेचक हैं। विवेचक का कार्य होता है कि जो केस उसको अलॉट हो जाए उस केस में वो पूरे मन से उसकी तहकीकात करेगा, छानबीन करेगा और उसके आधार पे ही वो अपना रिपोर्टिंग करेगा। बट आपने इसको रेलिवेंस नहीं समझा, ना ही CBR रिपोर्ट है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैविंग। कितने टाइम लगे थे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में? सर अभी इन्वेस्टिगेशन सर अभी भी जारी है, लेकिन हमने अभी भी इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है सर। मैं आपको बता दूं, कोर्ट में मैटर आने से पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और अगर कोई एक्स्ट्रा एविडेंस कमिट करने रहते हैं तो प्रोसिक्यूशन पार्टी या फिर डिफेंस पार्टी को एक सप्लीमेंट्री देना पड़ता है उस चीज़ के लिए। पर केस आने से पहले ही सारे जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। आप ये बताइए, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन हो गई थी? नहीं, 24 घंटे में नहीं हुई थी। कितने दिन लगे थे अप्रॉक्स? मैं बता चुका हूँ मैम, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है उसकी। सीआर ऑब्जेक्शन ओवर, यू हैव अ रेलेवेंसी व्हाट डिफेंस के डिफेंस के विटनेस से पूछताछ करने का टाइम है तो प्रोसिक्यूशन Already she has taken the position with the judge. Already you, the prosecution had taken the re-witness case now.